कि वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ईडीएम जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे फर्क ये है यहाँ पे टूल की जगह पे वायर यूज होता है, ठीक है, जिसका जो साइज है 0.3 mm होता है, और ये जो वायर है उसको पास होना है वर्कपीस में से ताकि वो मशीन हो सके, इसलिए वर्कपीस में होल होना चाहिए। अगर बाहर से कट करना है तो ठीक है, पेरिफेरी से कट करना है तब ठीक है। और यहाँ पे जो टूल और वर्कपीस जैसे ईडीएम में होता था पूरी तरह से इमर्ज होता था डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में, इसके अंदर पूरी तरह से इमर्ज होने की जरूरत नहीं है। जहां पे वायर और वर्कपीस जहां पे मशीनिंग हो रहा है वहां पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड नोजल से जो है फीड किया जाता रहता है, ठीक है। अब अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात करें WEDM की, तो WEDM में होता क्या है, वायर होता है जिसका साइज होता है 0.3 mm, और वायर और वर्कपीस जहां पे मशीनिंग होने वाला है तो वर्कपीस और वायर के बीच में एक गैप होता है 0.5 mm का, ठीक है। और ये जो टूल है या वायर है वो कनेक्ट होता है नेगेटिव से तो खुद बन जाता है कैथोड, और वर्कपीस जो कनेक्ट होता है पॉजिटिव से तो खुद बन जाता है एनोड, ठीक है। अब होता क्या है, जो डायलेक्ट्रिक फ्लूइड है इन दोनों के गैप के बीच में जो है नोजल से फीड किया जा रहा है। अब क्या होता है, जो डीसी पावर सप्लाई है वो जब ऑन होता है तब होता क्या, एक स्पार्क जनरेट होता है वायर से वर्कपीस के तरफ, और ये जो डायलेक्ट्रिक फ्लूइड है दोनों के गैप के बीच में उसका क्या हो जाता है, वहां पे आयोनाइज हो जाता है, तो करंट पास होता है वायर से वर्कपीस के तरफ, और वहां पे वर्कपीस जो है वहां पे हो जाता है हीटेड मेल्टेड, और वहां से मटेरियल रिमूव हो जाता है। तो ये था जो प्रिंसिपल है WEDM का, ठीक है। अगर इसके सेटअप को समझते हैं तो इसके अंदर चार चीजें होती हैं, यानी कि वायर, फर्स्ट चीज वायर और वर्कपीस। तो वायर और वर्कपीस जो है, वायर जो है जैसे कि हमने पहले ही बात की कि वायर जो है नेगेटिव से कनेक्ट होता है तो खुद बन जाता है कैथोड, और वर्कपीस जो है पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है तो खुद बन जाता है एनोड, और दोनों के बीच में क्या होता है, वायर और वर्कपीस के बीच में गैप होता है 0.5 mm का, और वायर जो है उसकी साइज होती है 0.3 mm, ठीक है। और होता क्या है, जब पावर सप्लाई डीसी सप्लाई जो है जब वो ऑन होता है तो क्या होता है, स्पार्क जनरेट होता है किसके बीच में, जो वायर है और उसके वर्कपीस के बीच में। तो यहाँ पे करंट की अगर बात करें तो करंट मैक्सिमम जो है 30 एम्पियर का यूज होता है, क्योंकि वायर की जो साइज है छोटी है इसके लिए करंट का जो मैक्सिमम है वो होता है 30 एम्पियर, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं डायलेक्ट्रिक फ्लूइड की अगर बात करें तो डायलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या होता है, वहां पे जहां पे कटिंग हो रही है या मशीनिंग हो रही है वहां पे क्या किया जाता है, नोजल से फीड किया जाता है ताकि वहां पे क्या हो जाए, दोनों के गैप जो है वायर और मशीन के बीच, जो मशीन सरफेस होने वाला है या मशीनिंग होने वाला है, जो वर्कपीस है और वायर के बीच में जो गैप है वहां पे डायलेक्ट्रिक फ्लूइड को फीड किया जाता है नोजल के थ्रू, ठीक है। अब ये जो डायलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो एक तरह से कूलेंट का भी काम करता है, ठीक है। सो हमने जैसे बात की, जैसे ही डीसी सप्लाई जो है ऑन होता है तब होता क्या है, स्पार्क जनरेट होता है, और ये जो डायलेक्ट्रिक फ्लूइड जो फीड किया जा रहा है नोजल के थ्रू वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है और करंट का फ्लो होता है। फिर तीसरी चीज की अगर बात करें तो सीएनसी कंट्रोल सिस्टम, ओके, यहां पे यूज होता है क्योंकि ये जो वर्क पीस है वो है और यहां पे वायर जो है पास हो रहा है। अब वायर जो है ऐसे है तो ये वर्क पीस जो है वो क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए ताकि कटिंग हो जाए। तो ये जो वर्क पीस का जो मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है, सीएनसी जो है कंट्रोल सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, उसको दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, और कभी कभी दोनों साथ में, ताकि एक अच्छा सा कॉन्ट्रोल जो हमको बनाना है वो बन सके, ठीक है। और फोर्थ चीज की बात करें तो यहाँ पे वायर फीड मैकेनिज्म भी होता है। अब वायर फीड मैकेनिज्म में होता क्या है, यहाँ पे वायर जो है, अभी जैसे ये वर्कपीस है, अब ये वायर पास होना है तो एक जगह से वायर क्या होगा, फीड होगा, और दूसरी जगह से क्या होगा, वायर टेक होगा। तो जो वायर है जिसका साइज क्या है 0.3 mm, वो एक जगह से जा रहा है और दूसरी जगह से यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वायर टेक मैकेनिज्म, यहाँ पे वायर फीड मैकेनिज्म। और इसके अंदर होता क्या है, दोनों के बीच में जैसे जो फीड हो रहा है और यहाँ पे टेक कर रहा है तो एक तरह से क्या होता है, उसके अंदर एक तरह का खिंचाव होता है जिससे वो क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट होता है ताकि कटिंग जो है प्रॉपर हो सके, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये वायर जाता है यहाँ पे कटिंग करता है तब क्या होता है, वो खुद भी डैमेज हो जाता है। तो वो जब टेक ऑफ के टाइम पे, जब यहां से वर्क पीस को मशीन करके जब वो जा रहा है तो वो अब राउंड नहीं रहा पहले जैसा, ठीक है, तो वो एक ही बार यूज हो सकता है। सो
यहाँ से क्या कर रहा है, वायर फीड हो रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है, वायर टेक ऑफ हो रहा है, और जो वायर जो टेक ऑफ हो रहा है वो अभी फिर से यूज नहीं हो सकता क्योंकि उसका जो राउंडनेस है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जब वो मशीन कर रहा था तो खुद भी थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये है ओवरऑल जो है सेटअप है। सो होता क्या है, अब इसको फिर से एक बार देख लेते हैं ओवरऑल। तो वायर जो है 0.3 mm का है, वायर और वर्क पीस के बीच में जो गैप है 0.5 mm का है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है यहाँ पे फीड किया जाता है नोजल के थ्रू, ये जो वायर है वो कनेक्टेड है नेगेटिव से तो खुद बन गया कैथोड, वर्क पीस जो है कनेक्टेड है पॉजिटिव से तो खुद बन गया एनोड। अब होता क्या है, जैसे ही वायर जो डीसी सप्लाई है ऑन किया जाता है तब क्या होता है, एक स्पार्क जनरेट होता है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है फीड हो रहा है नोजल से, तो एक स्पार्क जनरेट होता है वायर से वर्क पीस की तरफ, तो जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो हो जाता है आयोनाइज्ड, करंट फ्लो होता है जो है वायर से वर्क पीस की तरफ, तो वर्क पीस क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है उस पोर्शन में, तो जब हीटेड हो जाता है तो वो क्या होता है, मेल्ट होता है, मेटल रिमूव होता है, तो ऐसे बहुत सारे स्पार्क जो है जनरेट होते हैं और जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है आयोनाइज होता है और करंट पास होता है और मटेरियल जो है वो हॉट होता है, मेल्ट होता है, वहां से रिमूव होता है, और डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या कर रहा है, एक तरह से कूलेंट का भी काम कर रहा है, और ये जब मशीनिंग हो रहा है तो टेबल का मूवमेंट हो रहा है किसकी वजह से, सीएनसी कंट्रोल सिस्टम की वजह से, तो जो दो डायरेक्शन में जो है मूवमेंट हो सकता है या दोनों मूवमेंट को साथ में भी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई कॉन्टूर या प्रॉपर शेप अगर काटना है तो ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वायर जो है एक जगह से फीड हो रहा है और दूसरी जगह से टेक ऑफ हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से उसके अंदर तनाव है या उसके अंदर जो स्ट्रेच करके रखा हुआ है ताकि वो स्ट्रेट रहे, ताकि कटिंग जो है आसानी से हो सके। ओके, तो ये था WEDM यानी कि वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। ओके, तो ये जो है पूरी तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे हमने पहले देखा है प्रिंसिपल, उसके बाद हमने देखा है उसका सेटअप, इसके अंदर और भी डिटेल में जा सकते हैं, बट ओवरऑल WEDM को समझने के लिए इतना काफी है। और भी हम इसी टॉपिक पे, इससे रिलेटेड टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे और वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो हमें जरूर बताइए। फिर मिलेंगे, गुड बाय, तब तक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।